अजय शर्मा, इसीलिए अब एक बार फिर से ये सवाल खड़ा हो गया है कि महाराष्ट्र में कंफ्यूजन इतनी है, नामांकन के आखिरी दिन तक भी वो क्लियर नहीं हो पाई, यही एक वजह थी कि हरियाणा के साथ नहीं कराया गया। देखिए पूजा जी, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सारा देश जानता है कि चुनाव बीजेपी नहीं कराती। जो चुनाव है वो चुनाव आयोग कराता है, वो संवैधानिक संस्था है, वो निष्पक्ष संस्था है, तो उसमें किसी का इंटरफेयर नहीं होता। वो वहां के देखते हैं किस तरह के हालात होते हैं, वहां जो टीम होती है वो जायजा लेती है, उसके अनुकूल वो काम करते हैं चुनाव आयोग जो है। तो उन्होंने जिस तरह से देखा होगा भाई अलग कराना है तो अलग करा लिया उन्होंने चुनाव आयोग, तो उसमें तो मैं क्या टिप्पणी करूं। बाकी मैं ये बता देना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जो महायुति है वो सरकार में दोबारा आने जा रही है, और हमारा कोई किसी तरह का मनभेद भी नहीं है, मतभेद भी नहीं है, सारी चीजें आप देखेंगे 4 तारीख को क्लियर हो जाएंगी, किसी भी तरह का कुछ नहीं है। हमने इतना काम किया है महाराष्ट्र की जनता के लिए। तो फिर नवाब मलिक के लिए प्रचार करेंगे आप, अगर कोई मतभेद नहीं, कोई मनभेद नहीं, तो फिर क्यों आशीष शेलार कह रहे थे? सना मलिक के लिए करेंगे या नवाब मलिक के लिए नहीं करेंगे? पूजा जी देखिए एक बात बताइए कि हमने तो उनको उम्मीदवार नहीं बनाया, हमारी सहयोगी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। अभी 4 तारीख तो मैं कम से कम 4-5 दिन तो बचे ही है, तो आप देखिए हो सकता है वो नॉमिनेशन वापस ले लें। जो भी है हमारा तो आगाह करना है, हम तो हमारा जो स्टैंड कल था वो आज है, वो कल भी वही रहेगा, पूजा मैं ऐड कर लूं जो होता है। तो इसमें जी तो हमारा हमारा स्टैंड जो पहले था वही स्टैंड आज है हमारा, और सहयोगी पार्टी है, उन्होंने अगर दिया है तो हम उनको तो अवगत करा सकते हैं अपनी चिंता से, हमने अपनी चिंता से अवगत करा दिया, तो उन्होंने देखना है किस तरह से काम लेकिन करना है। और सुनी ये नहीं ना आपकी, सुनी नहीं जी। देखो ऐसा नहीं होता, जो दबाव आपका यूपी में दिख रहा है 9 सीटों पर, वो महाराष्ट्र में नजर नहीं आ रहा है ना, आपके खिलाफ ही आप ही के सहयोगी उम्मीदवार उतार रहे हैं। पूजा जी सहयोगी पार्टियों में दबाव नहीं बनाया जाता, आपसी सहमति से फैसले लिए जाते हैं, साथ बैठ के फैसले लिए जाते हैं। दबाव की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करती, हम तो साथ बैठा के काम करते हैं और साथ मिलके काम करते हैं और लोगों के विकास के लिए काम करते हैं। हमारे यहाँ महाविकास अघाड़ी की तरह जो है कुर्सी के लिए लड़ाई नहीं है, चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा इस तरह की लड़ाई है आपने नहीं देखी होगी। हम जनता की भलाई के लिए सीटों का भी समझौता कर रहे हैं, वहां जनता के किस तरह से हम काम कर सकते हैं आगे के लिए, किस तरह से वहां गरीब के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, आदिवासी भी थोड़ा सा क्षेत्र पड़ता है उनके लिए किस तरह से काम कर सकते हैं, हमारा विजन वो है। हमारा विजन कुर्सी का नहीं है कि उद्धव जी के यहाँ बैठ के प्रवक्ता कहते हैं अगर उद्धव जी को आपने कैंडिडेट नहीं बनाया मुख्यमंत्री का तो फिर कुछ नहीं है महाराष्ट्र में। आपने देखा समाजवादी पार्टी ने किस तरह से अपने उतार दिए उम्मीदवार, ओवैसी जी ने अपने उतार दिए, तो ये इनका जो है हमने तो सबको साथ लेके चले हैं, दिख तो रहा क्या है। पता वहां पर भी फ्रेंडली फाइट के लिए बात हो गई हो, आप इसे बगावत कह रहे हैं, आप इसे विरोध कह रहे हैं। अब ये तो आपको तय करना पड़ेगा कि जो आपके सामने स्टेटमेंट आ रही है, वहां के प्रदेश के इतने बड़े नेता है, प्रदेश अध्यक्ष भी है आजमी जी, उन्होंने खुद बोला कांग्रेस ने धोखा दिया था हमें पिछले बार इलेक्शन में भी, तो मैं क्या कहूंगी, वो तो पूरे देश ने सुन लिया, इसमें मेरा क्या कहना है। इस तरह से हमारे यहाँ थोड़ी किसी तरह की बातें होती हैं भाई, इतनी तो दिल्ली से, इतनी महाराष्ट्र से मुंबई जो है दिल्ली की दौड़ लगी, 3-3 बैठकें हुई, सीट शेयरिंग क्या फॉर्मूला रहा कुछ सामने नहीं आया। पूजा जी की घोषणा होती रही, नामांकन दाखिल हो गए, बगावत भी होती नजर आ रही है। पूजा जी दिल्ली आना जाना इसलिए नहीं हुआ कि सीट शेयरिंग कर ले, सीट शेयरिंग भी एक बात थी, बाकी लोगों के विकास के लिए रोड मैप क्या होगा, किस तरह के जनता के भलाई के लिए काम किए जाए, किस तरह से चुनाव लड़ा जाए। कोई ऐसा नहीं, हम एक गंभीर राजनीतिक पार्टी है, हम कोई इस तरह से नहीं है कि यहाँ चुनावों की वोटों की गिनती होती है और बहन भैया विदेश में सैर कर रहे हैं। हमारे यहाँ सब कोई भी इलेक्शन, छोटा भी इलेक्शन हो, पार्षद का इलेक्शन हो, बहन भैया विदेश में सैर कर रहे हैं बहन भैया। राहुल गांधी जी कर रहे थे हरियाणा में, वोटों की गिनती थी, तो इस तरह से तो चलो उसको छोड़ देते हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि हम गंभीरता से लेते हैं, कोई भी इलेक्शन हो, कहीं भी चुनाव हो, देश के किसी भी कोने में हो, तो हमारे यहाँ किसी भी तरह से हल्के में नहीं लेते हैं। तो रणनीति बनाई जाती है बैठ के कि भी किस तरह से हम जनता की भलाई अत्यधिक मात्रा में कर सकते हैं, किस तरह से वहां जिताऊ भी, और जिस पर जनता भरोसा करे। आप आपस में तो डिसाइड कर नहीं पा रहे, कौन किस सीट में, नहीं डिसाइड हो पाया ना, आपके खिलाफ शिंदे गुट के, आपके खिलाफ एनसीपी गुट की तरफ से उम्मीदवार उतारे गए, आपने भी उम्मीदवार उतारे, तो यहाँ कहाँ फ्रेंडली फाइट दिख रही है। फिर पूजा जी 4 तारीख आने दीजिए,
सारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ लोगों की पीड़ा भी होती है, मैं ये नहीं कहता, अपवाद भी होता है क्योंकि मेहनत करते हैं कई उम्मीदवार, एक साथ मेहनत करते हैं तो टिकट तो एक कोई मिलनी है, तो बाकी सबको हम समझा लेंगे हमारी अच्छा, लेंगे। अगर कोई है मेहनत की है तो अगर एक कोई पार्टी किसी की टिकट मिल गई है तो दूसरे को हम समझाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ किसी तरह से राजनीतिक लाभ के लिए तो कोई सवाल तो यही है ना, ये पहले सुलझ क्यों नहीं पाया, ये क्यों पहले सुलझ नहीं पाया। आकाश यादव